आपका सेल्स 11 गुना बढ़ाने के 11 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम बिजनेस सेमिनार्स लेते हैं, उसमें का एक पार्ट ये आपके सामने मैं आज पेश कर रहा हूँ। सेल्स आपका बढ़ाने का है तो आप अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हो, इसमें से 11 तरीके जो है जो काफ़ी लोग अपने अपने बिजनेस में अपनाते हैं उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। पहला है रिटेल चेन्स, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसका बहुत नाम है, तो उसको बीच में होलसेल रिटेलर ये सब वो गायब कर देता है, डायरेक्ट अपने रिटेल चेन खोल देता है, जगह जगह अपने रिटेल शॉप्स है और वो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल आता है और वो डायरेक्ट रिटेल चेन में जाता है, तो बीच में के कुछ भी प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ नहीं कुछ नहीं, और बड़ा ब्रांड रहा तो ये सेल करता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको बच जाता है। तो ये हो गया नंबर एक। दूसरा है व्हाइट लेवल मार्केटिंग। व्हाइट लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं कि अपना माल पूरा का पूरा उठा के एक बड़े आदमी को दे देते हैं, बड़ा जो प्लेयर उसको दे देते हैं और वो बड़ा प्लेयर अपना माल बेचता है लाइक बिग बाज़ार। तो बिग बाज़ार में क्या होता है कि बिग बाज़ार में काफ़ी सारे ब्रांड्स उपलब्ध है और वो बिग बाज़ार के थ्रू बेच देते हैं। तो ये हो गया व्हाइट लेबल मार्केटिंग। इसमें वी मार्ट आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, बिग बाज़ार आ गया, तो ये व्हाइट लेबल मार्केटिंग में आता है। तीसरा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब ऐसा है कि अपना माल बनाओ और वो बेचने के लिए पूरा आउटसोर्स कर दो, पूरा का पूरा माल। तो क्या होता है कि उसमें सेल्स कॉस्ट जो है वो अपनी बहुत कम हो जाती है, सेल्स के खर्चे, सैलरीज, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस सब बच जाते हैं, तो वो कोई तो भी उठा के एक आधी जो कंपनी है उसको आउटसोर्स कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, तो ICICI बैंक का क्या कर देते कि उसका पूरा जो काम है उन्होंने बहुत सारा काम आउटसोर्स किया हुआ है, मतलब सेविंग अकाउंट खाता खोलने का आउटसोर्सिंग है, करंट अकाउंट खोलने का आउटसोर्सिंग है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का आउटसोर्सिंग है, लोन का आउटसोर्सिंग है, जहाँ वो आउटसोर्सिंग कर दिया है ताकि इनको बेचने का प्रॉब्लम नहीं है। चार है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है कि देखो आप जब तक फिजिकल स्पेस में लिमिटेड हो तब तक आप लिमिटेड बिजनेस ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में 200 किलोमीटर का ग्राहक क्यों आएगा, उसको वहाँ माल उपलब्ध है। तो फिर अभी ई कॉमर्स का ट्रेंड है कि आपका माल लिस्टिंग करो, अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करो, फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग करो और वो आपका माल बेचेंगे, तो आपको माल बेचने का प्रॉब्लम नहीं, इसमें मैन फोर्स लगता नहीं है कुछ भी, और सैलरीज नहीं, खर्चे नहीं, TDS नहीं, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली वो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ, ई कॉमर्स कंपनियाँ बेच डालती है। फिर पाँचवा है OEM मार्केटिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट जो लगते हैं तो वो छोटे छोटे कंपनियाँ मतलब वो मैन्युफैक्चर करती है छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है वो, और जो छोटे हैं फॉर एग्जाम्पल क्लच है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्लच जो है वो क्लच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक है कि जो सिर्फ क्लच मैन्युफैक्चर करती है, या गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गियर मैन्युफैक्चर, टायर वाली कंपनी टायर करती है। अब वो सब माल उठा के मारुति असेंबल कर लेती है और असेंबल करके अपनी कार बेच देती है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा लोड नहीं है माल बेचने का, सीधा उठाया माल बेच दिया, अपना पूरा तैयार हुआ है, हो सकता है कि मारुति को बेच दिया, टोयोटो को बेच दिया इधर, और महिंद्रा को बेच दिया, मतलब उनका क्लच का ही काम है और वो बहुत बड़ी कंपनी होगी सिर्फ क्लच बेचते बेचते, और उनको सेल का कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनको सेटल गिराए गए माल बेच देते हैं। छठवा है ऑटोमेटेड रिटेल। ऑटोमेटेड रिटेल इसका मतलब यह है कि जहाँ बहुत ट्रैफिक है वहाँ आप ऑटोमेटिक सेलिंग के पॉइंट्स लगा देना, जैसे मॉल्स है, एयरपोर्ट्स है, वहाँ वेंडिंग मशीन लगाइए, वेजिटेबल वेंडिंग मशीन, हॉट डॉग, नूडल्स, कोक्स, मतलब ऐसे कि वहाँ जाओ पैसा दे दो ऑटोमेटिक आपको माल मिल जाएगा और वहीं रख दो, तो फिर वो ऑटोमेटिक रिटेल है, वहाँ आपका सेल फोर्स नहीं लगता है, वहाँ ऑलरेडी ट्रैफिक है, लोगों को चाहिए चाहिए है कि लोगों को लगता ही है सब, मतलब ये बातें मतलब लगती है खाने के लिए वगैरह, तो लोग वहाँ खा लेते हैं और आपको सेल का कोई प्रॉब्लम है नहीं। सातवां है रीसेलर या वैल्यू एडेड रीसेलर। इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई माल लेना है उसको वैल्यू ऐड करना है, उसके ऊपर वैल्यू ऐड करके फिर बाद में बेचने का है। तो क्या होता है कि जो वैल्यू ऐड करने वाला जो आदमी है, जो कंपनी है, तो वो कंपनी अपना प्रॉफिट लेती बीच में, तो उनको वैल्यू ऐड करने वाली कंपनी है उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, जहाँ से माल आया वो कंपनी भी प्रॉफिट देती है, वैल्यू ऐड करती है उसमें भी मार्जिन बच जाता है और वो माल बेच देते हैं। तो ओरिजिनल जो कंपनी है वो माल बेच रही है तो वो एक सर्टेन टाइप का माल तैयार करती है, बेच देती है, समझो अभी कार की एक्सेसरी है, तो कार की एक्सेसरी हो सकता है कि ओरिजिनल कंपनी नहीं बेच रही है, दूसरी कंपनी वो कार की एक्सेसरी बेच रही है, वो अपनी कार बना के इसको दे देते हैं, फिर वो कंपनी एक्सेसरीज बना के दे देंगी
उसमें आपकी वैल्यू ऐड करेंगी और फिर आगे कार जाएंगे। तो इनको क्या करना है, इनको एक कंपनी को, ओरिजिनल कंपनी जो, उसको एक कार बना के वो एक कंपनी को दे देना है, बाकी बात का वो देख लेते हैं। तो उसको बोलते हैं रीसेलिंग और वैल्यू एडेड सेलिंग। आठवां पॉइंट है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। इनको इनका बीच का मार्जिन देना पड़ता है। हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका 3% का मार्जिन होगा, 4% का मार्जिन होगा, होलसेलर जो है उसका 5-7% का मार्जिन होगा। और वो एक चेन होती है कि पूरा माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आएगा, वहाँ से वो जाएगा होलसेलर के पास में, तो डिस्ट्रीब्यूटर कम रहते हैं, फिर उनके नीचे होलसेलर रहते हैं, उनके नीचे रिटेलर रहते हैं, तो ये चेन में माल जाता है। और फिर वो होलसेलर जो है उसका फिर हेडेक रहता है कि माल कहाँ देना है, आपको डायरेक्ट माल बेचना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्कर जो रहते हैं मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो उनके मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान्स रहते हैं, वो अलग अलग प्लान्स में लोगों को समझा के उनके नीचे 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 लोग ज्वाइन करते रहते हैं और वो अपने नेटवर्क में वो माल बेचते रहते हैं। उसमें क्या है, उसमें ना एडवर्टाइजमेंट है, ना सैलरी है, ना बाकी कोई बेचने का खर्चा है, सिर्फ जो माल बेच रहे हैं उनको वो कंप्यूटर में जो सिस्टम बनाई हुई है, जो नेटवर्किंग का जो ढांचा है, जो कंप्यूटर ने सिस्टम बना के लिए कि भाई इधर का एक इधर के दो उठाना, तीन हो गए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो जो नेटवर्किंग का जो रहता है कि वो कितना साइज का रहेगा, एक इधर का दो उधर का रहेगा, वो हिसाब से वो नेटवर्क कंपनी जो है वो देती है। हमको क्या करना है कि माल बना लिया और नेटवर्क को दे दिया, नेटवर्क का देखेंगे अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसा करना है और वो माल बेचेंगे, बाकी आपको कोई लोड है नहीं। दसवां पॉइंट है एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट आप जब कर रहे हो तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपने माल एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरे देश में भेज दिया, अब वहाँ का जो माल लेने वाला है वो वहाँ देखता है कि भाई माल कैसे बेचना है। तो आपको, आपने क्या किया कि आप सिर्फ माल तैयार किया, माल एक्सपोर्ट कर दिया, आपको बेचने का लोड नहीं है, माल सामने वाला बेचेगा, आपने ये यहाँ से उसको सिर्फ एक्सपोर्टर को बेचने का है। तो ये हो गया दसवां पॉइंट। इलेवन पॉइंट है फ्रेंचाइजी अपॉइंट करना। आपका जो इतना ब्रांड बड़ा है कि आप एक आधे फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करते हैं, तो मेजोरिटी चंक फ्रेंचाइजी को जाता है, आपको कम रहता है, मगर आपको सेल करने का लोड नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है वो उसके नेटवर्क में, उसके लोगों के साथ में, उसकी जहाँ पहचान है वहाँ वो अपना काम करेगा, वो कैसा काम करना उसका हेडेक है। फ्रेंचाइजी ऑन द कॉन्ट्री क्या करता है, वो जो मेन ऑपरेटर है मतलब मेन कंपनी है उसको पैसा देता है फ्रेंचाइजी मिलने का। हो सकता है कि 10 लाख डिपॉजिट दिया, 15 लाख डिपॉजिट दे दिया, और जितना माल बेच रहा है उसके ऊपर भी मेन कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो ऐसे 11 स्ट्रेटेजी है। 11 स्ट्रेटेजी में आप यदि काम करते हैं तो आपका सेल 11 गुना मतलब 11 गुना सेल बढ़ सकता है, ये अलग अलग स्ट्रेटेजी का आप ऑफर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, ताकि अपना अपना बिजनेस वो बड़े पैमाने पर बढ़ा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।